स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन के दौरान हो रही फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को अनधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली लोन स्कीम की पेशकश से सावधान रहने को कहा है। दरअसल SBI ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर सिक्योरिटी टिप्स जारी करते हुए ग्राहकों को अलर्ट रहने को कहा है। SBI ने अपने ट्वीट में ग्राहकों को ऐसे ऐप से बचने के लिए कई टिप्स और तरीके भी बताए। SBI ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जालसाज इंस्टेंट लोन ऐप से सावधान रहें। प्लीज किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जो अनधिकृत है, और ना ही अपनी कोई भी जानकारी ऐसे किसी भी ऐप्स पर दर्ज करें जिसे SBI या दूसरे बैंकों के तौर पर बताया गया है। SBI के मुताबिक ये ऐसे लिंक्स होते हैं जिन पर क्लिक करने से यूजर का प्राइवेट डेटा लीक हो सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको अपने खाते या किसी भी वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही बढ़ी ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को लेकर सभी बैंकों की तरफ से ग्राहकों को सचेत किया जा रहा है। SBI भी समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बैंक की स्कीम के अलावा कई और अहम बातों के बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देता रहता है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी तरफ से कानूनी तौर पर लोन की पेशकश की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ रजिस्टर्ड इकाइयां भी कर्ज की पेशकश कर सकती है। पिछले माह RBI ने व्यक्तियों और छोटे उद्यमियों को वार्निंग दी थी। RBI के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स पर जिस कर्ज की पेशकश की जाती है उसकी ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। कई प्रकार के चार्ज छिपे होते हैं, रिकवरी करने के तरीके ऐसे होते हैं जो स्वीकार नहीं है, और साथ ही ये उधार लेने वाले व्यक्तियों का डेटा मोबाइल फोन पर हासिल करके समझौतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर।